अंधेरे से भरा हुआ एक कुआं जिसमें बहुत सारी प्रजाति के कछुए तिलमिला रहे थे। कुएं के अंदर का नजारा ऐसा जिसे देखकर किसी भी आम आदमी का कलेजा सूख जाए। मगर अचानक एक शख्स खुशी खुशी मुस्कुराते हुए इस भयानक कुएं में छलांग लगा देता है। पीछे पीछे उसके दो और भाई भी एक के बाद एक उसी कुएं में कूद जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था उस कुएं में जो ये तीनों लोग इस भयानक कुएं में खुशी खुशी कूद गए? आखिर इन कछुओं से उन्हें क्या मिलने वाला था, या फिर कुएं में कोई खजाना था जिसके लिए वे इतना रिस्क से भरा काम कर रहे थे, या फिर राज कुछ और था? इन सभी बातों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। आपने कई प्रकार के कछुओं के बारे में सुना होगा, जैसे 18 नाखून का कछुआ, 20 और 21 नाखून का कछुआ। दोस्तों 20 नाखून वाले कछुए बहुत ही रेयर होते हैं, इसी वजह से लोग 20 नाखून वाले कछुए की ऊंची कीमत देने को तैयार रहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में है और भारत में भी यह 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बिकता है। क्या वाकई 20 नाखून वाले कछुए से नोटों की बारिश की जा सकती है? क्या सच में इसकी मदद से गड़े खजाने का पता लगाया जा सकता है? 20 नाखून का कछुआ जिसे बीसा या फोर व्हीलर जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, 20 नाखून का कछुआ दुर्लभ प्रजाति का है और बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है, इसलिए इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है और लाखों और करोड़ों में भी है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए तस्कर लोग इसे खरीदने और बेचने के चक्कर में जेल तक पहुंच गए हैं। कीमत ज्यादा होने की वजह से इसकी तस्करी होती है और यह कानूनन जुर्म है। आज हम आपको बताएंगे कि 20 नाखून वाला कछुआ करोड़ों में क्यों बिकता है और इसकी क्या खासियत है। 20 नाखून वाले कछुए की मदद से खजाने का पता। इस कछुए की कीमत उसके नरम कवच और कड़े कवच के हिसाब से भी लगाई जाती है। तांत्रिकों का कहना है कि यदि कोई उन्हें 20 नाखून वाला कछुआ ला कर देगा तो वह उसे मालामाल कर सकते हैं। एक मामला ऐसा ही आया था छत्तीसगढ़ के बस्तर में। तांत्रिकों ने सब लोगों को कह दिया यदि कोई उन्हें इस प्रकार का कछुआ ला कर देगा तो वह गड़े धन का पता लगा सकते हैं और लाने वाले को मालामाल कर सकते हैं। रायगढ़ के एक गाँव के अंदर तो हद ही हो गई। वहां पर लोगों को पता चला कि इस कुएं में कछुए रहते हैं, तो वे इस प्रकार का कछुआ लाने के लिए एक कुएं के अंदर उतरने लगे। पहला शख्स कुएं में उतरता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाता तो फिर उसका दूसरा भाई भी उस कुएं में उतर जाता है, मगर उसके साथ भी वही होता है जो पहले के साथ हुआ था। अब तीसरे भाई को चिंता होने लगती है। अब तीसरा भाई भी उन दोनों ही की तरह उस कुएं में उतर जाता है। बाद में पता चलता है कि उस कुएं के अंदर जहरीली गैस भरी हुई थी, जिसकी वजह से पहले व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद दो भाई और एक एक करके उसी कुएं के अंदर उतरे थे, लेकिन वे भी जहरीली गैस की वजह से मारे गए। यह सब एक अंधविश्वास के चलते हुआ। आपको बता दे दोस्तों, ऐसा कोई भी महारथी पैदा नहीं हुआ है जो 20 नाखून के कछुए की मदद से खजाने का पता लगा सकता है। यह अंधविश्वास और ढोंग के सिवा और कुछ भी नहीं है। दरअसल उस तांत्रिक ने उनसे उपाय के नाम पर पैसे लिए थे। जब वो अपनी जेब भर कर जाने लगा तब इनको अंधविश्वास में फंसा कर कि आप लोग 20 नाखून के कछुए का इंतजाम कीजिए, मैं जब आऊंगा तब इस गड़े खजाने को निकाल लूंगा। 20 नाखून के कछुए की मदद से नोटों की बारिश। क्या 20 नाखून के कछुए की मदद से नोटों की बारिश कराई जा सकती है? यह बात भी सरासर गलत है। कोई भी महारथी ऐसा नहीं कर सकता है। अक्सर यह कहा जाता है कि आप मुझे 20 नाखून का कछुआ ला कर दीजिए और मैं नोटों की बारिश करूंगा और पूरा कमरा नोटों से भर जाएगा। दरअसल इसके पीछे एक राज है जो इंटरनेशनल मार्केट के तस्कर है जो इसे ऊंची कीमतों में बेचते हैं। वो क्या करते हैं, अपने साथ में नज़रबंद वाले जादूगर को शामिल करते हैं। वो नज़रबंद जादूगर 20 नाखून का कछुआ रखते हैं, उस पर नोट चिपकाते हैं और जितने का नोट वह रखेगा उसी प्रकार की नोटों की बारिश होगी। वो आसानी से नज़र बंद करके लोगों को नोटों की बारिश दिखा देते हैं। जो भी 20 नाखून के कछुए का इंतजाम किया होता है वो सुबह देखते हैं कि उसकी जेब खाली है, नोटों की बारिश नकली थी। यह नज़र बंद करके कराई जाती है, सिर्फ और सिर्फ उस कछुए को हासिल करने के लिए वो कछुआ लेकर चले जाते हैं।
तो हाँ दोस्तों, 20 नाखून वाले कछुए से नोटों की बारिश कराने वाली बात सरासर झूठ है। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तांत्रिक या बाबा की शक्तियों की एक सीमा होती है, वो सब कुछ नहीं कर सकते। यह ताकत तो केवल ऊपर वाले के हाथ में होती है, जो जब चाहे जहाँ चाहे कुछ भी कर सकते हैं। पकड़े गए तस्करों ने बताया कि तंत्र साधना के लिए 20 नाखून वाले कछुए की काफी ज्यादा मांग होती है। तंत्र साधना करने के लिए नरम कवच वाले कछुए की आवश्यकता होती है। नोटों की बारिश करने वाली साधना को सुनसान स्थान में किया जाता है। तस्करों के अनुसार तांत्रिक कछुए की पीठ पर जितने का नोट रखेगा, उतने के ही नोटों की बारिश होने लगेगी। 20 नाखून के कछुए को घर में पालने से धन वृद्धि। क्या 20 नाखून के कछुए को घर में पाल लेने से धन वृद्धि होती है? दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। कछुए को हिंदू धर्म के अंदर पवित्र माना गया है और इस वजह से इसकी पूजा भी होती है। भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ भी है। बहुत से लोग कछुए की अंगूठी पहनते हैं और अपने पूजा के स्थान पर कछुए के यंत्र को रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अगर आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं और 20 नाखून वाला कछुआ पाल कर बैठ गए हैं, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन सही दिशा में मेहनत कीजिए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कोई कितना ही सिद्ध तांत्रिक या पंडित हो, लेकिन वह इस कछुए की मदद से नोटों की बारिश नहीं करा सकता और ना ही किसी गड़े खजाने का पता लगा सकता है। 20 नाखून वाले कछुए से नोटों की बारिश कराने का दावा बिल्कुल झूठा है। तो दोस्तों, अपनी मेहनत पर भरोसा करो, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसे शातिर लोगों से दूर रहो और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से भी शेयर करो, ताकि वे भी इन पाखंडियों से बच सके। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। इस कड़ी में हमने 2 पार्ट और बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? आपकी स्क्रीन पर 4 वीडियो शो हो रहे हैं। इनमें से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करो और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के मजे लो। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।